हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं जो क्वांटम नंबर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उनको हम एक साथ एक टेबल में एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कोई भी क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कोई भी क्वांटम संख्या है उसका मान कैसे निकालते हैं। तो ये टेबल बनाने पर आप खुद समझ जाओगे कि अगर हमें मुख्य क्वांटम संख्या दी हुई है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, तो किस प्रकार से बाकी क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने चार प्रकार की क्वांटम नंबर्स डिस्कस किया था, चार प्रकार की क्वांटम संख्या पढ़ी थी। पहली थी हमारे पास में मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी थी एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगुंशी क्वांटम संख्या जिसको स्मॉल एल से डिनोट कर रहे थे, तीसरी थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी थी स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन चारों को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, एक टेबल में डिनोट कर लेते हैं किस प्रकार से कैसे क्या होने वाला है। तो देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद में लिख रहा हूँ मैं द्विगुंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर L, ठीक है। उसके बाद में लिख रहा हूँ मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। हमें पता है, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो तो हम आराम से द्विगुंशी क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या की गणना कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि n का वैल्यू जो है अगर 1 हो जाए, n का वैल्यू अगर 1 हो जाए, n बराबर 1 हमारे पास में हो जाए उस कंडीशन में, n का वैल्यू 1 हो जाए उस कंडीशन में हमें पता है कि l का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n माइनस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n माइनस 1 होता है। तो n का वैल्यू अगर 1 हो जाए, n का वैल्यू 1 हो जाए तो l का वैल्यू हमारे पास में ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 यानी l का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 है हमारे पास में, उस कंडीशन में l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। यानी l बराबर 0 जो है हमें बताती है s सबसेल के बारे में, s सबसेल यानी s उपकोष के बारे में। तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उनके नंबर ऑफ वैल्यूज मान की संख्या, नंबर ऑफ वैल्यूज मान की संख्या किसके बारे में बताएगी, ऑर्बिटल के बारे में बताएगी, ऑर्बिटल यानी कक्षक के बारे में बताएगी, कक्षक के बारे में। तो यहाँ पर m के कितने मान आए हैं, m के एक मान आया है यानी 0 मान आया है लेकिन एक मान है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो s उपकोष है, s उपकोष में m का मानों की संख्या है एक, इसलिए इसमें कक्षक भी कितना है, एक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कक्षक की बात करें यानी ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल यानी कक्षक हो जाएंगे हमारे पास में इसमें एक, कितने कक्षक हो जाएंगे, एक कक्षक हो जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो देखो, n बराबर 2 की बात करें, n बराबर 2 की, तो n बराबर 2 का वैल्यू यहाँ पुट करने पर हमें यहाँ से l का मान पता चलेगा, वो पता चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। उस कंडीशन में l हमारे पास में 0 भी हो जाएगा और l हमारे पास में 1 भी हो जाएगा, l हमारे पास में 0 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हमारे पास में s उपकोष भी होगा, s सबसेल भी होगा और p भी होगा, और s में m का मान 0 होगा उस कंडीशन में, p के लिए अगर हम l के मान की बात करें तो -1, 0 और +1 होगा, ठीक है। तो s में तो हमने पढ़ा है कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों की संख्या कितनी है, एक है। तो यहाँ पर s में तो एक कक्षक होगा और ये देखो p में m के कितने मान संभव है, n जो m है, m के कितने मान, कितने मानों की संख्या आई है, तीन मानों की संख्या आई है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके कक्षक कितने हैं, तीन हैं। यानी p उपकोष में, p सबसेल में m के मानों की संख्या है तीन, इसलिए हम बोलेंगे कक्षकों की संख्या भी कितनी है,
तीन है। इस प्रकार से हम किसी भी कोश में, किसी भी उपकोश में हम कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन एनी सेल एंड इन एनी सब सेल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें एन बराबर थ्री के, एन बराबर थ्री, तो एन बराबर थ्री का मतलब है एल का वैल्यू जीरो, एल का वैल्यू वन और एल का वैल्यू टू। एन बराबर थ्री का मतलब है एल का मान जीरो भी होगा, एल का मान वन भी होगा और एल का मान टू भी होगा। तो देखो एल का मान अगर जीरो होता है तो एम का मान संभव कितना होगा, एक। एम के मानों की संख्या कितनी होगी, एक। तो ये किसको डिनोट करेगा, एस को, एस उपकोश को, एस सबसेल को। ऐसे ही अगर एल की बात करें तो इसके संभव मान कितने हैं, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, तो ये किसको डिनोट करेंगे, यानी पी को। ये तो किसको बताएगा, ये एस को बताएगा और ये बताएगा पी को। तो यहां पर कक्षकों की संख्या कितनी है, तीन है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही अगर एल बराबर टू की बात करें तो ये किसको बताएगा, डी उपकोश को, डी सबसेल को। तो यहां पर हम इसके मान की बात करें तो माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। क्यों, ऐसा हमें पता है कि m का मान जो होता है वो माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल और लेस देन इक्वल टू प्लस एल, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल और प्लस एल। ठीक है, इसके बीच में होता है, इसलिए ये मान हमने निकाल लिए। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया है। तो यहां देखो m के मानों की संख्या कितनी है, एम के मानों की संख्या है एक, दो, तीन, चार और पांच। तो यहां हम डिस्कस करें एस में कक्षकों की संख्या एक, पी में कक्षकों की संख्या तीन और डी में कक्षकों की संख्या पांच, डी में कक्षकों की संख्या पांच। अब ध्यान देना बच्चों, जब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताई थी, यानी मुख्य क्वांटम संख्या आपको बताई थी, तो तीन चीजें लिखवाई थी, किसी भी कोश में, किसी भी सेल में, यानी एनी सेल, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, तो हमने लिखा था एन के बराबर, यानी जितना प्रिंसिपल नंबर होगा उतने ही उसमें सबसेल होगी। तो ध्यान देना यहां पर देखो, नंबर एन बराबर कितना है, वन है। तो एन बराबर वन होने पर यहां तक देखो, इसमें कितनी सबसेल आई, एल बराबर जीरो, यानी एक सबसेल। वहां पर हमने लिखा था नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इज इक्वल टू एन। तो यहाँ एन बराबर वन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेल कितनी है, ए की सबसेल, और वो कितनी है, एस है। अगर मैं बात करूं एन बराबर टू की, तो एन बराबर टू में कितनी सबसेल है, दो होनी चाहिए, दो दो उपकोश होने चाहिए। तो देखो एक एस उपकोश है और एक पी उपकोश है, यहाँ पर दो उपकोश हमें देखने को मिले। ऐसे ही एन बराबर थ्री की बात करूं तो कितने उपकोश, कितनी सबसेल होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। तो यहाँ देखो एक एस, पी और डी, तीन सबसेल है। समझ में आई बात। तो उसके बाद में हमने देखा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल, यानी किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, उसके बारे में हमने देखा था। तो यहां देखो कक्षकों की संख्या के बारे में बात करें तो m के मानों की संख्या कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है। तो देखो n बराबर वन में कक्षकों की संख्या लिखी थी हमने एन स्क्वायर, यानी किसी भी सेल में कक्ष ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। किसी भी कोस में कक्षकों की संख्या किसके बराबर लिखी थी, एन स्क्वायर के बराबर। तो इसका स्क्वायर करो बेटा, एन बराबर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। तो यहां पर कक्षकों की संख्या देखो कितनी है, वन है। अगर हम बात करें एन बराबर टू की, तो एन बराबर टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार। तो इसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, चार। तो यानी एन बराबर टू में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कक्षकों की संख्या कितनी आनी चाहिए, चार। तो एन बराबर टू का मान कहां से कहां तक है, ये दोनों है, तो ये देखो चार एन स्क्वायर। एन बराबर टू में कितने हुए, वन, और वन प्लस थ्री कितने हो गए, चार। ऐसे ही अगर आप बात करें एन बराबर थ्री की, तो एन बराबर थ्री का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर कितने हो जाएंगे, नाइन, यानी कक्षकों की संख्या कितनी आनी चाहिए, नौ। तो देखो बेटा ये है एन बराबर तीन का मान, यहां से लेकर के एन बराबर तीन का मान ये है। तो पांच और तीन आठ, आठ और एक नौ। ऐसे ही एन बराबर फोर लेंगे तो हमारे को वहां पर एफ, जो एफ सबसेल है, एफ उपकोश है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हम अगली स्लाइड पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमने लिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो हमें पता है कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है,
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है अधिकतम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, एक कॉस में दो होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, टू, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी हमारे पास में दो। इस एन बराबर टू में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों की संख्या कितनी है, चार, तो एन बराबर दो में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी आठ। एन बराबर थ्री की बात करें, एन बराबर थ्री की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, नाइन, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, 18 इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर थ्री में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम n बराबर फोर में n का मान निकाल सकते हैं, n l का मान निकाल सकते हैं, m का मान निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का मान भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सब सेल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, हमने द्विगुणसी क्वांटम नंबर पढ़ा था, आपको याद हो तो, द्विगुणसी क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था, तब हमने लिखे थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब सेल, और वो लिखा था 2l इन एनी सबसेल, 2l+1। द्विगुणसी क्वांटम नंबर जब हमने पढ़ा था तब लिखा था कि किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल, और उसका फॉर्मूला था 2l+1। अब ध्यान देना, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अगर मैं l बराबर 0 कंसीडर करता हूँ, 0 का मतलब s सबसेल, s उपकोष, एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने कक्षक होंगे, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। एस में एक होगा, पी में तीन होगा, और डी में पांच होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर लेते हैं किस प्रकार से, कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। तो एल बराबर जीरो हम पुट करें, एल बराबर, अगर एल बराबर जीरो में पुट करता हूं तो यहां से 2l+1 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस सबसेल में, एस उपकोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होते हैं, यानी कक्षकों की संख्या 1 होती है। तो यहां से भी कितना आया, एक ही आया, समझ गए बात को। ऐसे ही अगर l बराबर 0 की जगह l बराबर 1 पुट करूं, l बराबर 1 पुट करते ही 2l+1 का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 3। और l बराबर 1 जो है वो किसको डिनोट करता है, p सबसेल को, यानी p उपकोष को। तो p उपकोष में कितने ऑर्बिटल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो p उपकोष में कितने ऑर्बिटल, ये रहे 3 ऑर्बिटल। तो यहां से भी कितना आया, 3 आया। और हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, एक कक्षक में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी यही आ जाएंगे। ऐसे ही अगर l बराबर 2 की बात करूं, l बराबर 2 का मतलब है d, यानी इसमें वैल्यू पुट करें तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास में 5। तो l बराबर 2 का मतलब d सबसेल, यानी d उपकोष, और d उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, देखो ये रहा, डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब देखो, अब ये तो था हमारे पास में, ये बात तो थी हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, कक्षकों की संख्या की। यहां पर हमने बात करी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, और ये बात करें हम अगर इसको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल बोल दूं तो एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल तो ये हो जाएगा 2n2। ये फॉर्मूले लिखे थे तो यही तो कैलकुलेट किया है। अब अगर उस फॉर्मूले के फॉर्म में, उस फॉर्मूले के फॉर्म में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, तो वो अगर हम डिनोट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 × 1 यानी 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 × 3 यानी 6, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें बात करें तो 5 × 2 × 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पी सबसेल में, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। और डी सबसेल की बात करें, डी उपकोष की बात करें, तो उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो जो भी क्वांटम नंबर में हमने फॉर्मूले देखे थे, हम उनको यहाँ पर इस टेबल के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम एन बराबर फोर का नेक्स्ट स्लाइड पर देखें, तो एन बराबर फोर की बात करें, एन बराबर फोर की, एन बराबर फोर की अगर हम बात करें, तो एन बराबर फोर के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3। तो इसके वैल्यू, एल के मान कितने हो जाएंगे, एल बराबर 0, एल बराबर 1, एल बराबर 2, एल बराबर 3। तो एम के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, एम
एम का मान क्या हो जाएगा इसके लिए, तो क्या हो जाएगा जीरो, इसके लिए हो जाएगा माइनस वन, जीरो प्लस वन, इसके लिए हो जाएगा माइनस टू, माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस टू, और इसके लिए हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ये इसके मान है। तो अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें, ऑर्बिटल्स की बात करें, कक्षकों की बात करें, कक्ष की, तो ऑर्बिटल्स इसमें तो एक है, इसमें तीन है, इसमें पांच है, इसमें सात है। तो अगर एन बराबर फोर की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स कितने हैं, आठ, नौ और सात, 16, 16 ऑर्बिटल्स हैं, यानी एन स्क्वायर की बात करें तो ये है एन स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टू एन स्क्वायर, तो वो हो जाएंगे 16 × 2 यानी 32 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एटम में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल, ये अगर आउटर मोस्ट सेल हमारे पास में एन बराबर फोर है तो उसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी एन बराबर फोर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो भर सकते हैं हम 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वांटम नंबर अगर हमें पता हो तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी सेल में या कोस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी सब सेल में या उपकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किसी भी कोस में कितने कक्षक होंगे, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो चार क्वांटम नंबर हमने पीछे पढ़े थे उन चारों क्वांटम नंबर को हमने क्या किया, इस टेबल से समझने की कोशिश की है। अब ये जितने भी हैं, अब हम चौथा क्वांटम नंबर, यहाँ पर जगह कम होने के कारण हम लिख नहीं पाए, एस, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या भी बोलते हैं, तो उसके तो दो मान है, फिक्स वैल्यू है, या तो एस का वैल्यू प्लस हाफ होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए, या तो एस का वैल्यू प्लस हाफ, या कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए एस का वैल्यू माइनस हाफ, तो उसके लिए दो वैल्यू पॉसिबल है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो n बराबर 5 के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, तो n बराबर 5 के लिए भी सारी वैल्यूज आ जाएगी, n बराबर 5 होते हैं l का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे सेल में और सब सेल में, कक्षकों की संख्या कॉस में और उपकॉस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएंगी, है ना, और कौन कौन से उपकॉस यानी कौन कौन से सब सेल प्रेजेंट होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो हम जो, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो ना, तो हम कोई सी भी क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता परमाणु में लगा सकते हैं, यानी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोजिशन है, लोकेशन है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्वांटम नंबर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें मैंने सिर्फ आपको उनके बारे में बताया था और किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये जो है क्वांटम नंबर वाला पोर्शन, उसका वो फर्स्ट वीडियो है, या सेकेंड वीडियो है, या सेकेंड वीडियो शायद छोटा सा बनेगा, लेकिन दोनों को एक साथ देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कोई भी क्वांटम सॉरी कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, या कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कि कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए हम सेल सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, यानी कौन से नियम्स को हम फॉलो करते हुए कोस और उपकोस में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि क्वांटम नंबर से अलग ही वो वीडियो बन जाए। तो ये आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। चलो एक एन बराबर फाइव का ले लेते हैं हम, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखो एन बराबर फाइव की बात करें हम, एन बराबर फाइव, एन बराबर फाइव होते ही एल का वैल्यू जीरो, एल का वैल्यू वन, एल का वैल्यू टू, एल का वैल्यू थ्री और एल का वैल्यू फोर। एल का वैल्यू जीरो का मतलब एस सब सेल, एल का वैल्यू वन का मतलब पी सब सेल, पी उपकोस, इसका मतलब डी, इसका मतलब एफ, और इसका मतलब कोई भी अल्फाबेटिकल जी में चला जाएगा। ऐसे ही अगर एम के मान की बात करें हम, इसमें एम के मान की, तो इसके लिए एम का मान होगा जीरो, नंबर ऑफ मान्स एक होंगे, इसके लिए एम के मान होंगे माइनस एक, जीरो प्लस एक, इसके लिए एम के मान हो जाएंगे माइनस दो, माइनस एक, जीरो प्लस एक और प्लस दो, इसके लिए एम का मान हो जाएगा माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो प्लस एक प्लस दो प्लस तीन,
इसके लिए एम का मान हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। अब देखो ये एम का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू आ गया तो देखो हमें पता है कि जो हमारा एस सबसेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, एक, पी में कितने, तीन, डी में कितने, पांच, इतना तक हम बात कर चुके हैं। एम में कितने, सात, इसमें कितने, नौ। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को, इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। देखो एम बराबर ये वैल्यूज आ गए, तो हमें ये जो गोले में मैंने लिखे हैं ये इनमें कक्षकों की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से गुणा कर दिया, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी आ गई। ठीक है, तो वैसे बोल भी सकते हैं हम कि एन बराबर 5 जो है उसमें इतने सबसेल प्रेजेंट होंगे, और हमने उन फॉर्मूले से डिस्कस किया था कि कोई भी सेल है, कोई भी कोष है, उसमें उपकोष की संख्या कितनी होगी, यानी सब सेल के नंबर कितने होंगे। तो ये 5 है तो 5 होंगी, तो देखो काउंट कर लो इसको, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 सब सेल है। समझ में आई बात। और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए स्पिन प्लस, या तो प्लस हाफ होगी, या ऐसे बोल सकते हैं इसके लिए स्पिन या तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी, इसके लिए स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ होगी, इसके लिए स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ होगी, इसके लिए भी स्पिन जो है, चक्रण है, वो प्लस हाफ माइनस हाफ होगा। इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू है मान निकाल करके हम उस परमाणु में, उस एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बेटो, और देखो बेटा ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, या आपके लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके आपके तो काम आ ही रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, है ना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे, और हमारा जो चैनल है रूबीडियम उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को बताओ कि इस प्रकार का ऐसा कोई चैनल है जो आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप वहाँ ये वीडियो देख सकते हो। और ये जो मैं डिस्कस करा रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जेई एडवांस लेवल तक, जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आप फटाफट फटाफट चुटकियों में करने लग जाओगे। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वांटम नंबर के 2 पार्ट हो गए, एक क्वांटम नंबर का पहले हमने डिस्कस किया था, और उसको आज हमने एक साथ एक टेबल के फॉर्म में हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।